कहां से आए हो? तक्षशिला से। इतनी दूर अकेले? मूर्ख समझ रखा है मैं? अकेले नहीं, मैं अपने आचार्य के साथ आया। मैंने कहा था ना ये अकेला नहीं है। इसमें अवश्य धनानंद की कोई चाल है। धनानंद की नहीं, हमारी चाल है। कैसी चाल? यही कि आप लोग मुझे शस्त्र विद्या सिखाने वाले। क्या तुम तक्षशिला से यहाँ पर शस्त्र विद्या सीखने के लिए आए हो? ए वीरा, कहाँ से पकड़ लाए हो इस मूर्ख बालक को? वन में घूम रहा था। मैं घूम नहीं रहा था, आप लोगों को ही खोज रहा था। चुप बैठोगे? मुझे संदेह हुआ, इसीलिए मैं से यहाँ ले आया। फिर तो ये और भी अच्छी बात है। पागल लगता है। चक्रन, इसे तट पे छोड़ाते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे आप लोगों के बारे में सब ज्ञात है। आप है वीरा, जिनका आज तक कोई भी बार खाली नहीं है। आप है शकरन, जिनका भाला दूर से आने वाला राजा का भी सीना चीर दे। और आप है महाबली ठंडो, मैं धन्य हो गया। वो पराक्रमी योद्धा जिनके किस्से सुन सुनकर सैनिकों की पूरी पीढ़ी प्रेरित हुई, उन्हें मैं प्रत्यक्ष देख रहा। आप सभी वीरों को मेरा शत शत प्रणाम। मैं पुनः कहता हूँ, ये बालक मुझे ठीक नहीं लग रहा। वीरा, इसे शिक्षण उस स्थान पर छोड़कर आओ जहाँ से तुम इसे लाए थे। मेरे आचार्य ने मुझे सिखाया कि हर क्षण अपने लक्ष्य पर डटे रहो। अब जब तक आप लोग मुझे शस्त्र विद्या नहीं सिखाते, मैं यहां से हिलने वाला नहीं। अब यही मेरा लक्ष्य है। पर हम तुम्हें शस्त्र विद्या क्यों सिखाएं? ताकि मैं धनानंद से अपना प्रतिशोध ले सकूं।